तो गाइज लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड आ चुका है जिसका काफी दिनों से था इंतजार। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लोकी टाइम स्लिप पे काबू पा चुका है, तो वे टाइम स्लिप करके उस मोमेंट पे जाता है जहां विक्टर टाइमली फर्स्ट टाइम उस डिवाइस को लगाने जा रहा था, लेकिन अंजाम वही होता है। यहां पर लोकी ओपी से पूछता है कि हम यहां पे क्या चीज डिफरेंट कर सकते हैं, तो ओपी बताता है कि अगर हम ये काम जल्दी कर दें तो शायद हो सकता है। तो इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है, फिर भी नतीजा वही होता है। तो इस बार लोकी टाइम में थोड़ा और ज्यादा पीछे चला जाता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी करो, लेकिन वहाँ पर जल्दी जल्दी करने के बावजूद ये लोग नाकाम होते हैं। इस बार लोकी ओबी से जाके पूछता है कि मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा ज्ञान है वो सबको सीखने में मुझे कितना साल लगेगा, जिस पे ओबी कहता है कि कुछ साल तो लगेंगे ही, जिस पर विक्टर टाइम भी कहता है कि नहीं नहीं कम से कम 100 साल तो लगेंगे ही। फिर हम देखते हैं कि लोकी 100 साल का टाइम लेता है क्योंकि उसके पास टाइम स्लिपिंग की पावर थी, तो बार बार वो ये कर सकता था। फिर वो इसमें एक्सपर्ट हो जाता है, फिर वो आते ही डिवाइस बना देता है और विक्टर टाइमली को बोलता है कि जाओ तुम जाके फिट करो। फिर विक्टर टाइमली भी ऐसा ही करता है और इसके बाद हम देख पाते हैं कि विक्टर टाइमली सेफली आ गया। ओबी फिर कंप्यूटर चेक करता है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर से वो ब्रांचेस बढ़ने लगती हैं। और फिर यहाँ पर विक्टर बताता है कि मेरा जो डिवाइस है वो लिमिटेड टाइम में ब्रांचेस रोक सकता था, लेकिन यहाँ तो इनफिनाइट है, इनको रोकना नामुमकिन है। लोकी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे लाख कोशिश कर लूं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो अब करूं क्या। तो इस बार वो टाइम स्लिप करके उस मूवमेंट में जाता है जहाँ पे सिल्वी ह्यू रिमेंस को मारने वाली थी, जहाँ पर लोकी बहुत कोशिश करता है सिल्वी को रोकने की, लेकिन हर बार वो नाकाम होता है। हर बार सिल्वी यही कहती है कि अगर तुम ह्यू रोमेंस को बचाया तो मुझे मारना होगा, लेकिन लोकी यहाँ पे एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो सिल्वी को मार सके। यहाँ पे कई बार इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। तो फिर लोकी ह्यू रोमेंस से कह के बोलता है कि तुम इसको रोकते क्यों नहीं हो, तो फिर ह्यू रोमेंस अपने टेम्पेड लेकर सिल्वी को पोस्ट कर देता है। और फिर हम लोगों को यहाँ पे उन लोगों की बातचीत सुनाई देती है जहाँ पर ह्यू रोमेंस ये रिवील करता है कि जहाँ टेम्परोलर रूम है वो एक फेल सेफ के जैसा है, जो कि मल्टीवर्स टाइमलाइन को कभी सही नहीं कर सकता था, और वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को बचाएगा और बाकी सबको हटाते जाएगा, और इसी तरह मैंने शांति यहाँ बनाई रखी है। तुमने जो पीसफुल मोमेंट अपने टाइमलाइन में बिताया है, सब मेरे वजह से बिताया है, और इस टेम्पलोरर रूम की वजह से ही तुम एक बहुत ही बड़ी जंग से बचते आए हो, और इसी तरह मैंने शांति यहाँ पे बनाई रखी है। तुमने जो पीसफुल मोमेंट अपने टाइमलाइन में बिताया है वो सब मेरी वजह से बिताया है, और इस टेम्पलर रूम की वजह से ही तुम एक बहुत ही जंग से बचते आए हो। इसके बाद लोकी कहता है कि मैं इस टेम्पल रूम को ही उड़ा दूंगा। फिर वो बताता है कि सोच लो अगर तुमने उसको उड़ा दिया तो एक बहुत ही बड़ा जंग छिड़ जाएगा, फिर कोई भी सीक्रेट टाइमलाइन नहीं बचेगा और शायद कुछ ही नहीं बचे। वहीं अगर तुम यहाँ सिल्वी को मार देते हो तो हम लोग दोनों मिलकर जितने को चाहे उतने को बचा सकते। लोकी यहाँ सोच में फंस जाता है और कहता है कि सबको बचाऊंगा, तो कैंग कहता है कि तुम कोशिश कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ मिल जाऊंगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी टाइम स्लिप करके उस पहले मोमेंट में जाता है जहाँ मोबियस से मिला था। मोबियस से पूछता है कि तुम कैसे डिसाइड करोगी किसको बचाना है और किसको नहीं बचाना है। तभी मोबियस वहाँ पर एक कहानी सुनाता है कि वो कहानी ये रहती है कि हंटर जाते हैं एक इंसान को मारने के लिए, जो कि भविष्य में जाके 5000 लोगों को मारने वाला था, लेकिन पता है वहाँ जाके एक हंटर रुक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको उसे मारने का टास्क दिया था वो 8 साल का बच्चा था, जो कि आगे जाके 5000 लोगों को मारने वाला, लेकिन वहाँ पर एक हंटर रुक जाता है जिसकी वजह से एक नई शाखा बनती है और उसमें कई सारे वेरिएंट्स बनते हैं और वो सारे कतलेआम बचाते हैं। इसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जहाँ सिल्वी मारने वाली होती है। उसको बताता है कि अब वो टाइम स्लिप पे काबू पा चुका है, हीरो रोमेंस को बचाना चाहता है, लेकिन सिल्वी यहाँ कहती है कि अगर तुम हीरो रोमेंस को बचाओगे इसका मतलब तुम्हें मुझे मारना होगा, और तुम मुझे नहीं मार रही हो बल्कि यहाँ आए हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे परमिशन लेने आए हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ लोकी, मैं अभी भी तुम्हें परमिशन नहीं देती हूँ कि तुम मुझे मार सको और ह्यूमंस को बचा सको। इतना सुनने के बाद लोकी वहाँ पे थोड़ा सा डिसहर्ट फीट करने लगता है, लेकिन यही में बातों बातों में सिल्वी एक बात बता देती कि अगर कुर्सी पे सही इंसान बैठा रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना सुनते ही लोकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और टाइम स्लिप करके उस मोमेंट में जाता है जहाँ पे उसके सारे दोस्त सामने रहते हैं, और उन्हें एक बार दिल भर देखने के बाद वो अकेले ही उस टेम्पल रूम की ओर बढ़ने लगता है, और उस टेम्पल रूम की ओर बढ़ते वक्त उसके ड्रेस बदल जाता है और हम फाइनली लोकी को एक तबाही कॉस्ट्यूम में देखते हैं। मेरे ख्याल से एमसीयू का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉस्ट्यूम है जो लोकी ने यहाँ पर पहना हुआ है। लोकी इसके बाद टेम्पल रूम को उड़ा देता है और सारे टाइमलाइन को एक एक करके पकड़ के उनमें जान भरने लगता है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और एंड ऑफ टाइम तक पहुंच जाता है, और उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो हर एक टाइमलाइन को पकड़ उसमें जान भरने लगता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। इसी वजह से वहां पर एक ट्री जैसा बनने लगता है और फाइनली एमसीयू के अंदर उसका एक ऐसा मल्टीवर्स ही दिखाया जा रहा है। जब लोकी वहाँ कुर्सी पे बैठा है तो फाइनली लोकी अब बन चुका है मल्टीवर्स का किंग, और फिर हम देखते हैं कि लोकी ने टीवी को बदल दिया जहाँ पे कैंग नहीं बल्कि लोकी का राज्य है, और यहाँ पर सबको पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ है और यहाँ पर सबको बचा रहे होते हैं। यहीं पे हमें एक रेफरेंस भी मिलता है कि एक कैंग का वेरिएंट 616 से बहुत करीब आ चुका है, लेकिन वो भी टपक चुका है। मोबियस कहता है कि अपनी लाइफ में शायद अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, और वहीं V15 ये कहते हैं कि मैं यही रहूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि V15 यहाँ पे ऑफिशियल वर्क
बस में संभाल रही होती है और मोबियस अपने घर पे चला जाता है और सिल्वी भी गायब हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है।